हेलो फ्रेंड, आज हम बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। दो सिलाइयों पे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। और ये मैंने आठ के फंदे में मल्टी में फंदे लिए हैं, आठ आठ और प्लस सात फंदे लिए हैं। सात फंदे डिज़ाइन को बराबर करने के लिए हैं। तो आप जब भी इस डिज़ाइन को बनाएं तो आठ के मल्टी में फंदे लेके फिर आप सात एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। और पहली रो मैंने निकाल ली है सीधी और दूसरी रो भी मैंने उल्टी निकाल ली है। इसमें हमारी चार सिलाइयों में सीधी उल्टी बनेगी। तो एक सिलाई में पहली सिलाई सीधी और दूसरी सिलाई मैंने उल्टी बना ली है। अब तीसरी सिलाई भी हमारी उल्टी निकलेगी। फिर पांचवी सिलाई पे ये डिजाइन बनेगा। तो पहली सिलाई मैंने उल्टी सीधी निकाल ली है और दूसरी सिलाई मैंने उल्टी, तो तीसरी सिलाई ये मैं तीसरी सीधी निकाल रही हूँ और चौथी सिलाई भी हमारी उल्टी बनेगी। तो ये दोनों सिलाई बनाकर फिर मैं आपको पांचवी सिलाई पे डिजाइन बताती हूँ। तब तक ये बना, तो चौथी सिलाई मैंने उल्टी भी बना ली है। अब पांचवी सिलाई पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो चार सिलाइयाँ हमारी सीधी उल्टी बनी है, हम देख सकते हैं चार सिलाई हमारी सीधी उल्टी बनी है। और पांचवी सिलाई पे डिजाइन बनेगा। पहला फंदा हमारा एस्टिच का धागा अपनी तरफ, पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। पहला फंदा एस्टिच का, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करके फिर एक, ये दो और ये तीन, तीन फंदों को इकट्ठा बुनना है। धागा हमारा दूसरी तरफ है, इसे ऊपर से ऐसे लेना है, ऐसे करके ऐसे बुनना है इसे। फिर धागे को ऐसे फिर लेंगे, तीन तीन फंदों को हमने एक बनाया था, तो फिर एक फंदा ये, एक दस एक दो, तीन फंदे हमारे वापस हो गए हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदों का ये डिजाइन बनेगा। फिर पांच फंदे उल्टे बनाने, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बना लिए। अब फिर तीन फंदों पे डिजाइन बनेगा हमारा। तीन फंदों को पहले उल्टा बुनेंगे, पहले धागे को दूसरी तरफ रखा है हमने, ऊपर से ऐसे धागे को ले रहे हैं, तो इसे ऐसे बुनना है। धागा ऐसे आ जाएगा, फिर धागे को ऐसे लपेट के ले आना है। तो फिर पांच फंदे उल्टे बुन लेने हैं, दो तीन चार पांच, और एस टीच का इसे भी उल्टा ही बुन लेते। तो छठी सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। बस इन दो सिलाइयों को ही हम रिपीट, दो सिलाइयाँ हमारी सीधी बनेगी, सीधी उल्टी, उन्हें रिपीट करते जाएंगे तो डिजाइन हमारा ऐसा बनता जाएगा। दो सिलाइयाँ ये डिजाइन बनाएंगी। डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। तो पूरी सिलाई हमारी उल्टी बन गई है छठी। अब सातवीं सिलाई और आठवीं सिलाई बता देती हूँ। तो जो सातवीं सिलाई है वो पूरी हमारी सीधी बनेगी, सीधी सॉरी, जो धागे जो उल्टे फंदे बना रहे हैं उसे उल्टा बनाएंगे, पांच फंदे उल्टे, पांच फंदे जो उल्टे बना रहे हैं उसे उल्टे बना लें। धागा दूसरी तरफ करके पहला फंदा एस्टिच का, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे बना लिए और तीन फंदों पर जो डिजाइन बनाया था हमने उन्हें सीधा बुन लेंगे। फिर पांच फंदों को उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा दूसरी तरफ, फिर तीन फंदों पे जो डिजाइन बनाया था उन्हें सीधा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन, धागा अपनी तरफ, फिर पांच फंदे उल्टे। और आठवीं सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। तो आठवीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको नौवीं सिलाई बताती हूँ। तब तक मैं आठवीं सिलाई बना लूँ। तो सातवीं सिलाई, आठवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन गई है। अब हम नौवीं सिलाई पे आ गए हैं। तो आठ सिलाइयों का डिजाइन अब हमारा कुछ ऐसे बनेगा।
ऐसे करके। अब हम नौवीं सिलाई पे, नौवीं सिलाई पे डिजाइन हमारा जैसे हमने पांचवीं सिलाई पे बनाया था वैसे ही बनेगा। फिर पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे धागे को। फिर तीन फंदों को, एक दो और ये तीन, धागा दूसरी तरफ ही रहेगा, इसे ऊपर से ऐसे बनाते हुए तीन फंदों को एक कर देंगे। तो तीन फंदे हमारे यहाँ पे घट जाएंगे, तो यहाँ पे तीन फंदे बढ़ जाएंगे। धागे को ऐसे लपेट के ले आएंगे, फिर पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो चार पांच, धागा दूसरी तरफ करके फिर तीन फंदों का एक कर देंगे, उल्टा बुनते हुए धागा दूसरी तरफ रखेंगे, तीन फंदों का एक हो गया। धागे को लपेट के ऐसे ले आएंगे, फिर पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच। तो दसवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो दसवीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको ग्यारहवीं बताती हूँ। हम ग्यारहवीं सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा एच स्टिच का, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे उल्टे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे। बस इन दो सिलाइयों को ही रिपीट करते हमने जाना है और हमारा डिजाइन ऐसे बनते जाएगा। फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, पांच फंदे उल्टे। और बारहवीं सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी। तो बारहवीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको डिजाइन बताती हूँ लास्ट का एच स्टिच का। तो ये डिजाइन ऐसे बनेगा। ये डिजाइन ऐसे बना। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।